कहेंगे 22 तारीख को आपका महानगर पालिका घेराव करने का मोर्चा था, उस मोर्चे का क्या है कल? कल ठीक 3 बजे भिवंडी कॉरपोरेशन का घेराव होगा। एमआईएम के सभी कार्यकर्ता, भिवंडी के सभी जनता, सभी धर्म के लोग कॉरपोरेशन का घेराव करेंगे। दो चीज का हमारा डिमांड है। एक तो महापौर के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, जिन्होंने गलत तरीके से महासभा लगा के और लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन को ओपन करना चाहिए। अगर इनको धरने मोर्चे से बचना है तो 12 बजे न्यू कमिश्नर पंकज आसिया साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 12 बजे तक कॉन्फ्रेंस लेके अगर आपने लॉकडाउन को ओपन कर दिया तो शायद मैं ये धरने मोर्चे के बारे में सोचूंगा। मगर अगर आपने कल इस चीज को डिक्लेयर नहीं किया तो मैं 3 बजे महानगर की ईंट से ईंट बजा दूंगा इस शहर के सभी शहरवासियों को लेके। ये याद रखना, मैं खालिद गुड्डू हूं। द्वारा जानकारी मिली कि आपको नोटिस भी दी गई है पुलिस से। देखिए, ये पुलिस का प्रोसीजर है। पुलिस अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूंगा। राजनीति से और पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। उनको लीगल चलना आता है, मुझको भी लीगल चलना आता है। वो कागज पे चलेंगे, मैं भी कागज पे चलूंगा। आपने मांग किया था भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आईएएस कमिश्नर का और मोहल्ले मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक का, तो अब कहीं ना कहीं दोनों चीजें आपके सामने ही हैं। क्या कहेंगे दो देखिए, बड़ा सबसे पहले मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उप मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तत्काल में यहाँ पे कमिश्नर की नियुक्ति की। यहाँ पे आईएएस, एक होनहार आईएएस की नियुक्ति की जो नॉन करप्ट है। अब यहाँ के जो 90 नगर सेवक, ये सबका कमाई का जरिया बंद होगा और इनका खात्मा होगा। भी आईजीएम के अंदर मौतों का सिलसिला नहीं रुक रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? इसके लिए कल जब हम मोर्चा करेंगे तो मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब जो नए आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनसे बात करूंगा। सर, देखा जाए छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर आपका काफी, वहां पर महिलाओं ने, भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने आपका विरोध जताया, वहां पर अशब्दों का भी प्रयोग किया, ऐसे में इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में मैं यही कहूंगा कि बीजेपी के जो लोग भिवंडी शहर में राजनीति करते हैं उनके पास अब मर्द नहीं रहे, इसलिए वो औरतों को सामने भेजिए। पावर का मुद्दा कहां तक पहुंचा है आपका? तोरण का मुद्दा ऐसा है कि ये लास्ट एंड फाइनल लड़ाई है। तोरण का खात्मा इस शहर से होगा और जरूर होगा। ये आप तो बिल्कुल गफलत में मत रहना। जब इस देश से हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं तो फिर तोरण की औकात क्या है? तोरण पावर को इस शहर से भागना होगा। और ये जो दल्ले हैं, सजनानी और सुधीर देशमुख, प्रकाश सजनानी और सुधीर देशमुख, सुन ले, अब तेरी तेरी इस शहर में कालाबाजारी नहीं चलेगी, गरीबों के साथ लूटपाट नहीं चलेगा। तुम लोग हर इलाके में सिर्फ मारे जाओगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। क्या है कि खालिद गुड्डू बहुत चिल्लाता है, आखिरकार खालिद गुड्डू यहाँ इतना चिल्लाता है तो असेंबली में क्या करेगा? मैं कोई अबू आसिम आदमी नहीं हूँ जो महाराष्ट्र की असेंबली में मार खा के अब मुसलमान वोट जमा करूंगा। इस शहर का अगर नुमाइंदा बन के कभी मैं असेंबली में गया तो सिर्फ इस शहर की मांगनी को पूरा करूंगा, और यहाँ का हक नहीं मिला सरकार से तो छीन जलाने की ताकत है मुझ में। कल के मोर्चे के बारे में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा, इस शहर में कुछ लोग सोशल मीडिया पे बदतमीजी कर रहे हैं। हर वो आदमी मारा जाएगा जो मजलिस के खिलाफ होगा। और शहर के सभी जनता से मैं अपील करता हूं कि आप लोग, पूरे शहर के लोग इकट्ठा हो जाओ। यही मौका है आईजीएम की मौत को रोकने का, यही मौका है ऐसे डाकुओं के ऊपर एफआईआर करा के अंदर डालने का, यही मौका है आपको अपने शहर को सुधारने का। और एक डायलॉग के साथ बोलता हूं मैं, क्रांति वीर पिक्चर में एक का नाम था कलम वाली भाई, आपका ये भाई इस शहर का कलम वाला भाई है। याद रखना, कलम का जवाब कलम से।